हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड आप लोग कैसे हो? फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। फ्रेंड आप लोग का ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन के रिगार्डिंग कमेंट आया था। बहुत सारे बंदे थे जिन्होंने हमारे चैनल पे कमेंट किए थे कि सर आप ओप्पो पे वीडियो बनाओ, मेरा फ़ोन ओप्पो रेनो है, लॉक हो चुका है, उसको कैसे अनलॉक करें सर। तो फ्रेंड आप लोगों ने इस वीडियो को ओपन किया है हमारा थंबनेल को देखकर और हमने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है ओप्पो मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ें, पासवर्ड पैटर्न पिन। तो फ्रेंड अगर आप भी ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हो और वो ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन आपसे इस प्रकार पैटर्न पिन पासवर्ड लॉक हो चुका है और आप अपने पैटर्न पिन पासवर्ड को भूल चुके हो, तब जाकर आपने इस वीडियो को ओपन किया है। फ्रेंड आप लोग का फ़ोन लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं होता है, जिसका मुख्य कारण आप होते हो या आपके फैमिली रिलेटेड किसी कारण बस। जब आपका फ़ोन इस प्रकार लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं होता है तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 99% व्यक्ति क्या करते हैं, डायरेक्ट सर्विस सेंटर या तो रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास जाते हैं और दोनों जगह आपका फ़ोन भी अनलॉक होता है। नो डाउट फ्रेंड वो लोग फ़ोन बहुत इजीली तरीके से अनलॉक करते हैं सॉफ्टवेयर की मदद लेकर, ऑनलाइन की मदद लेकर, जिसमें आपका पैसा लगता है, आपका समय लगता है और आपका डाटा लगता है। डाटा बोले तो जो फैमिली फ़ोटो आप अपने फ़ोन में रखे हो, फैमिली ऑडियो, फैमिली वीडियो, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एप्लीकेशन, ऐप, गेम, जितना भी आप डाटा या एप्लीकेशन ऐप रखे हो ना फ्रेंड अपने फ़ोन में, वो टोटल का टोटल वो लोग डिलीट कर देंगे पैसा और समय लेने के बाद। और आपके फ़ोन में वो लोग कौन सा वर्क करेंगे ये आपको देखने का कभी नसीब नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड अगर आप चाहते हो कि आपका ओप्पो फ़ोन घर बैठे अनलॉक हो जाए, बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा डिलीट किए, बिना कंप्यूटर लैपटॉप के और बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप चाहते हो कि आपका ओप्पो फ़ोन अनलॉक हो जाए, तो आप इस वीडियो में बने रहना फ्रेंड, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो मेथड बताएंगे जिस मेथड से आप ओप्पो मोबाइल का कोई भी लॉक को घर बैठे आसानी से तोड़ सकते हो बिना सर्विस सेंटर गए। तो आइए फ्रेंड मैं बिना टाइम लिए ही इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा फ्रेंड। कभी भी आप लोग के सामने अनलॉकिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगा, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके हमसे हेल्प ले सकते हो। तो फ्रेंड आइए मैं इस वीडियो पे आता हूँ। सबसे पहले जब आप अपने ओप्पो फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करोगे, आपको यहाँ पे शो होगा पैटर्न पिन पासवर्ड। इस ओप्पो फोन में पैटर्न लॉक है फ्रेंड। आप इस पेज में, पैटर्न वाले पेज में आप पैटर्न डालने के अलावा कोई वर्क नहीं कर सकते हो। बार बार पैटर्न को ट्राई करोगे वो रॉन्ग पैटर्न होगा, यहाँ सेकंड शो करेगा, फिर ट्राई कीजिएगा फिर मिनट शो करेगा और आपका इसी प्रकार फोन धीरे धीरे कब डेथ हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। फ्रेंड आपको इतना कोशिश नहीं करना है, ये पैटर्न वाले पेज में आपको कोई ऑप्शन खोजना है वर्क करने के लिए, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है नहीं, आपको सही तरीके से देखना है और कोई ऑप्शन खोजना है। आपको फ्रेंड ऊपर देखना है कोई ऑप्शन नहीं, दाएं देखना है कोई ऑप्शन नहीं, बाएं देखना है कोई ऑप्शन नहीं, नीचे जब आप आइएगा तो आपको एक इमरजेंसी SOS का ऑप्शन दिख रहा है, इमरजेंसी SOS जिसे इमरजेंसी कॉल भी कहते हैं और आपके फ़ोन में हो सके तो ये इमरजेंसी कॉल के नाम से होगा। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे इमरजेंसी कॉल का जो ऑप्शन दिख रहा है इमरजेंसी SOS, इसे इमरजेंसी कॉल भी कहते हैं, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्योंकि फ्रेंड इमरजेंसी कॉल के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप खुद देख सकते हो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम फाइनली लास्ट एंड फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यही इमरजेंसी कॉल है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक न्यू डायलेट ओपन हो चुका होगा। अगर जिस फोन में न्यू डायलेट ओपन नहीं हुआ है वो बंदे लोग क्या करेंगे, ये ग्रीन कलर का जो ऑप्शन देख रहे हो फ्रेंड यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो अब आपके सामने फाइनली एक डायलेट ओपन हो चुका होगा। तो बस इस न्यू डायलेट में फ्रेंड *#899 और हैच पे क्लिक कीजिएगा, ये कोड याद रखिएगा *#899 और हैच। जब ये कोड डालिएगा तो आपके सामने आफ्टर सेल का एक न्यू पेज ओपन होगा। तो फ्रेंड इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप कंफ्यूज मत होना, आपको वही वर्क करना है फ्रेंड जो वर्क हम आपको बताएंगे। आपको पांचवा नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है, पांचवा नंबर ऑप्शन ऊपर से सॉफ्टवेयर वर्जन का आपको दिखेगा, आप सॉफ्टवेयर वर्जन पे क्लिक कर लेना। एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे देखना फ्रेंड कितना शो कर रहा है, 13 बोले तो 13, तो आपको यहाँ 13 बार क्लिक करना है। अगर आपके फ़ोन में 14 है, 15 है तो आपको उतना टाइम क्लिक करना होगा, अगर 10 है तो आपको 10 बार क्लिक करना होगा। इस ओप्पो एंड्रॉयड का वर्जन है 13 बोले तो 13, तो हम 13 बार यहाँ पे क्लिक करेंगे, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। उसके बाद अब आप इससे बैक ले लेना, इस पेज से जस्ट ऊपर आपको मैनुअल टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा फ्रेंड, मैनुअल टेस्ट का ये 4 नंबर ऑप्शन, आप यहाँ पे क्लिक करना, फर्स्ट पेज को कैंसिल कर देना, सेकेंड पेज पे आना और जरा सा ऊपर आप लीजिएगा तो आपको सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन दिखेगा। सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन आप यहाँ पे क्लिक करना। आपके ओप्पो फोन में यहाँ पे 2 सेंसर शो कर रहा है, अगर किसी और के फोन में 3 सेंसर है या 4 सेंसर है या 5 सेंसर है, आप सबको स्टार्ट कर देना। अगर सब स्टार्ट हो जाएगा वर्किंग करेगा तो ये व्हाइट कलर का जो देख रहे हो फ्रेंड ये येलो कलर का हो जाएगा और एक पास आने तक का वेट करना, एक पास आना चाहिए फ्रेंड। मैं जो भी वर्क करूंगा उसमें पासिंग की जरूरत है, फेल का कोई जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे फेल भी आता है तो आपको दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, 50-50 का गेम है, हम 2 ही ऑप्शन को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग के पास 2 ऑप्शन से ज़्यादा है तो आप सबको स्टार्ट कर लो, नो डाउट। यहाँ पे ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड मैंने दोनों को स्टार्ट किया, येलो कलर का भी हुआ और एक फेल हुआ एक पास हुआ, आप लोग देख सकते हो। तो अब हम इसको बैक कर लेंगे, एक पास आने का मेन मकसद था वो पास आ चुका है। जस्ट ऊपर आएंगे जी सेंसर के नीचे आपको दिखेगा जायरस्कोप, जहाँ पे आपको मेन वर्क होगा, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देना ज़्यादा फ्रेंड, जायरस्कोप पे क्लिक करना। ग्राफ का जो ऑप्शन देख रहे हो ग्राफ पे क्लिक करना और इसको 10 सेकेंड वर्किंग करते हुए छोड़ देना, ओनली 10 सेकेंड। जब आपको लगे कि ये 10 सेकेंड हो गया तो आप इसको बैक कर सकते हो। इस वर्क का प्रॉफिट ये होगा फ्रेंड कि आपके फ़ोन में जो भी ईमेल जीमेल होगा ना वो ऑटोमेटिकली तरीके से ब्रेकअप हो जाएगा। जब आपको लगे कि 10 सेकेंड हमारा कंप्लीट हो गया आप इसको बैक कर लेना। सेकेंड नंबर ऑप्शन जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट, ये टेस्ट आपको देना होगा और यहाँ पे पास लाना होगा। जिस बंदे का फेल आएगा वो बंदा दोबारा से ट्राई करेंगे, 3 बार ट्राई करेंगे, 10 बार ट्राई करेंगे, लेकिन जब तक ये जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट पास नहीं आएगा तब तक आप लोग बैक मत लीजिएगा। क्लिक किए, बहुत सारे ओप्पो फोन में अब पास या फेल का ऑप्शन डायरेक्ट शो कर दिया होगा रिजल्ट, लेकिन जिस फोन में स्टार्ट करने का ऑप्शन है वो स्टार्ट कर लेंगे और अब आपके फोन में पास या फेल का रिजल्ट शो करेगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड फाइनली मेरा फर्स्ट टाइम में ही पास हो चुका है। सेम इसी वर्क को आपको भी करना है और अगर पास आ जाए तो आप बैक ले लेना। अब हम आपको मेन वर्क बताएंगे, डाटा रिकवर कैसे किया जाता है। सर्विस सेंटर वाले पैसा और समय लेने के बाद भी आप लोग का डाटा रिकवर करके नहीं देते हैं, हम यहाँ पे फ्री में आपका डाटा रिकवर करेंगे। ये 3 नंबर का ऑप्शन डाटा डिस्प्ले का ऑप्शन देख रहे हो, आप यहाँ पे क्लिक करना और आप देखोगे XYZ 3 एंगल नीचे की ओर इंक्रीज कर रहे हैं, ये आपका डाटा टोटल का टोटल रिकवर हो रहा है फ्रेंड। तो इसको आप लोग 30 तक इंक्रीज करने दीजिए, बढ़ने दीजिए। अगर ये 30 तक जिस फोन में इंक्रीज करता है उस फोन का डाटा 110% कंफर्म हो जाइएगा कि अब आपका डाटा डिलीट नहीं हुआ है, 30 प्लस हो चुका है। अब हम इसको बैक कर लेंगे और चले जाएंगे सबसे लास्ट पेज पर जिसका नाम है अदर्स। अदर्स पे आने के बाद सेकेंड नंबर ऑप्शन रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। कैंसिल और ओके का ऑप्शन दिया, फर्स्ट टाइम में कैंसिल करना है, सेकेंड टाइम में यहाँ पे एक कोड का आप लोग को इस्तेमाल करना है 121*#, ये कोड डायल करके ओके कर लीजिएगा। अगर आपके फ़ोन में रॉन्ग पासवर्ड शो कर रहा है तो आप लोग समझ जाइएगा पासवर्ड पैटर्न पिन रीसेट होना स्टार्ट हो चुका है। और अगर जिस फोन में रॉन्ग पासवर्ड शो नहीं किया है वो लोग ये समझेंगे कि इंटरनली आप लोग का पासवर्ड पैटर्न पिन रीसेट होना स्टार्ट हो चुका है। अगर जिस फोन में शो किया है तब बहुत अच्छा, और अगर जिस फोन में शो नहीं किया तो भी बहुत अच्छा। अब 3 नंबर ऑप्शन की स्टेटस, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप देखिएगा की बोले तो चाबी, चाबी बोले तो लॉक। फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो जितना भी की आपको दिख रहा है, जितना भी की वो टोटल देखिएगा फ्रेंड, सारा नेम के बगल में स्टेटस है, सारा जगह पे पास 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 है, टोटल वर्क आप देख सकते हो सारा की पास है। की बोले तो चाबी, चाबी बोले तो लॉक, तो आप देख सकते हो फ्रेंड सारा पास है आपका लॉक, मतलब आपके फोन में जो भी पैटर्न पिन पासवर्ड था मेरे दोस्त वो अब टूट चुका है, इसीलिए पास 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 शो कर रहा है। तो अब आपको बैक कर लेना है। और लास्ट वर्क रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर, रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर यहाँ पे क्लिक कीजिए और अगर यहाँ भी पास रहा होम बटन का ऑप्शन है, होम बटन पे क्लिक कीजिए, यदि स्वीप अप का ऑप्शन है तो स्वीप अप कीजिएगा। रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर पे क्लिक किए और फ्रेंड यहाँ पे पास आ चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे पास आ चुका है। तो अब आपको कुछ कोई वर्क नहीं करना है, होम बटन पे क्लिक कीजिए, यदि आपके फ़ोन में स्वीप अप का ऑप्शन है तो स्वीप अप कीजिए। यहाँ पे होम बटन का ऑप्शन है, हम होम बटन पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो फ्रेंड मैजिकली तरीके से ये ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक हो चुका है और वो भी विदाउट डाटा लॉस हो चुका है। इस फोन का एक भी डाटा आप देख लो
कहीं से भी एक भी डाटा डिलीट नहीं है, टोटल का टोटल डाटा रिकवर है इस ओप्पो फोन का। और मैंने जो भी वर्क किया आप लोग के सामने किया, दिखा कर किया, सर्विस सेंटर वाले ये वर्क आपको कभी नहीं दिखाते फ्रेंड। तो अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और आपके पास किसी भी कंपनी का फोन है, लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर मॉडल नंबर के साथ कॉमेंट कीजिए, मैं आपका पूरा मदद करूँगा। और 10 मिनट के अंदर अपना पैटर्न, पिन, पासवर्ड को फ्रेंड चेंज जरूर कर लीजिएगा, वरना आपका फोन दोबारा से लॉक हो सकता है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।